आज बात करेंगे मेंसुरल डिसऑर्डर के बारे में, यानी कि जब मेंसुरल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, उसका टाइम पीरियड कम हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें हार्मोन्स का इम्बैलेंसिंग होना हो सकता है, जिसमें थायराइड हो सकता है या जिसमें अनीमिया होना भी हो सकता है। किसी भी तरह का इम्बैलेंस हो हार्मोन्स में, उसके लिए जो अशोक जो औषधि है वो सबसे बेहतरीन रहती है और वो नेचुरली हर तरह के डिसबैलेंस को ठीक करती है। तो अशोका अरिष्ट का सेवन जो है इस तकलीफ़ में बेहद फ़ायदेमंद रहता है। लेकिन और भी देखने के कारण साथ में ये होते हैं कि कहीं पेल्विक इन्फ्लामेशन तो नहीं है, किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है और किसी तरह की और हार्मोनल डिस्टर्बेंस तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को डायग्नोज करा के अगर हम आयुर्वेद से इसका इलाज करने की कोशिश करते हैं तो बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं, जिसका किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता।